अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई मिनी व्लॉग। तो आज का मिनी व्लॉग कुछ मुख्तलिफ है। आया हूँ चौक मुंडे के शहर, तो मैं अभी जा रहा हूँ शहर में, तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा चौक मुंडे का बाज़ार। और मेरा उधर थोड़ा काम भी है, फिर मिलते हैं बाज़ार में, तो आप लोग मेरे साथ। ये चौक मंडी का मेन रोड जो जिसके कनेक्शन डेरा इस्माइल ख़ान के साथ होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड होता है। मतलब यहाँ बॉर्डर कनेक्टेड डेरा इस्माइल ख़ान के साथ, यहाँ 24 घंटे हेवी ट्रैफिक होती है। ये बड़ी गाड़ियाँ, मतलब ये जो सामान ट्रांसपोर्ट करती है गाड़ियाँ वगैरह, इसी रोड पर ही जाते हैं। देखिए जो लोग, ये बहुत ही मेहनत कश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। सारे सब लोगों के अपने मतलब ज़मीनें होती हैं, वो उगाते हैं, और बहुत ही मेहनत कश लोग हैं। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है कि मतलब सारे काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मैं पहुँचा मेन चौक, चौक मंडी, चौक सरवर शहीद का जो मेन चौक है, चौक मंडी का जो मशहूर जूस वाला, तो फिर मैं वहाँ चला फैसल मिल्क शॉप। तो यहाँ की है जो रबड़ी दूध है, बहुत ही मशहूर है पूरे चौक मुंडे में, और कहीं पे भी नहीं मिलती। तो ये हमारा रबड़ी जूस है, और पीने के बाद मैं, तो मेरा असली काम था तो मैं उसके पीछे चला, तो चलता गया। और आप लोग देख सकते हो कितना रशकश है, कितना खूबसूरत माहौल है, रेड़ियाँ लगी हुई हैं, रक्शे हैं, चीज़ें हैं, बहुत ही वी आई पी माहौल, बहुत ही रशकश वाला बाजार। ये चौक मुंडी का मेन अस्पताल, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद मैं चला जो मेरा असली काम था, तो ये मैं वहीं पहुंचा। मैं कब्रिस्तान आया, तो कब्रिस्तान में मैंने कब्रिस्तान के जितने भी मुर्दे उनके लिए दुआएं की। और मैं चला अपने जो हमारे दादा परदादा की कब्रें, वहाँ चला, उधर से मिट्टी उठानी थी मैंने। तो ये है हमारे जो कबीले के मुअज्जज़ लोग, तो उनकी कब्रें यहाँ पे हैं। तो सब लोगों ने यहीं पे एक दिन आना है, सब लोगों ने। तो अभी हम लोगों ने पहले इसके लिए तैयार होना है, अच्छे काम करने हैं, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जितने भी उम्र हो, 100 साल, 110 साल, तो हम लोगों ने एक ही दिन यहाँ पे ज़रूर आना है। तो अच्छे काम करिए, किसी को नुकसान ना पहुँचाइए, जितने ज़दकात खैरात कर सकते हो करिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बाद में हमें काम आने वाली है। अभी ये लोग जो मुर्दे हैं, ये इन्हें हमारी बातों की, हमारे दुआओं की ज़रूरत है। तो आखिर में मुझे दीजिए इजाज़त, यही रहा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप लोग मेरे लिए दुआएं करिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगाहबान।